भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज जोशी ने निकाली विशाल कांवड़ यात्रा। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया एवं कांवड़ यात्रियों के लिए फलहारी वितरित की गई। श्रावण मास में मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के सह प्रभारी पंकज जोशी ने अपने गृह जिले में मां पार्वती नदी ने मनकामनेश्वर महादेव मंदिर भोला डोंगरी तक की एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जो भगवान शिव के जयकारे लगाते चल रहे थे। यात्रा में खादी ग्राम उद्योग के राज्य मंत्री सरेश आर्य, शाजापुर जिले के चुनाव प्रभारी संतोष मीणा, तेज सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बेग, जगदीश बोदिया, सुस्नेर मान सिंह मीणा, जिला पंचायत सदस्य भोपाल यात्रा में शामिल रहे। शुजालपुर से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। के माध्यम से जुड़े रहें, भगवान भोलेनाथ के गुणगान करते रहें, यही यात्रा का उद्देश्य। सर, यात्रा प्रतिवर्ष होती है, लेकिन इस साल कुछ विशेष यात्रा के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्या कारण है? चुनावी तैयारियों को लेकर लोगों की श्रद्धा है भगवान के प्रति, इसमें प्रेम है, बस उसी इसमें प्रेम के साथ इस यात्रा को क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने सफल बनाया। इस यात्रा को लेकर मैं क्षेत्र के श्रद्धालुओं का एवं क्षेत्र के वरिष्ठ मातृशक्ति ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का तहे दिल से प्रभारी होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की तैयारी चल रही है आपकी? देखो, चुनाव तो है, चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होना है। 2018 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनेगी, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी है, जिन्होंने जन जन तक लोगों का विकास किया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना है, ये श्रद्धा का केंद्र है। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र के श्रद्धालु भगवान शंकर से और सावन सोमवार के महापर्व से हर हमेशा जुड़े रहे। यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि भगवा झंडा लहराता रहे, इस झंडे के नीचे क्षेत्र की जनता, प्रदेश का हिंदुत्व चलता रहे। के तत्वाधान में यह कांवड़ यात्रा पिछले 7 वर्ष से लगातार चल रही है, और जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ की थी, अभी तक, आज तक और आगे भी ये कांवड़ यात्रा उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करेगी, जिसमें एक प्रमुख रूप से धार्मिक जागरण तो है ही, लेकिन धार्मिक जागरण को हमने लक्ष्य बनाया है कि हर गांव में हर परिवार द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष लगे, और इसके लिए एक वृक्ष एक परिवार ऐसा अभियान हमने चलाया है। हर घर को हम ले जा करके एक पेड़ देते हैं, और पिछले वर्ष हमने प्रयास करके 5,500 वृक्ष लगाए थे जो बड़े हुए हैं। यहाँ भोले डोंगरी के सामने भी 3-4 वृक्ष पिछले कांवड़ यात्रा समिति के तत्वाधान लगे थे, वे लगातार आज बड़े हुए हैं, दिख रहे हैं सामने। एक पेड़ लगाने का अभियान हमने लिया था, दूसरा गौ नस्ल सुधार करके गौ संरक्षण का काम हमने लिया था कि गौ की नस्ल सुधार करके गांव-गांव में देसी गाय हर घर में रहे, इसका प्रयास हमने किया, और हम उस प्रयास में सफल हुए हैं। हमने 2 से 3 गांव जावड़िया घरवास इत्यादि 2-3 गांव हैं जिनके अंदर गिर जाति की नस्ल को डेवलप किया वहाँ पर, और आज उस गांव में हर घर में गिर जाति की नस्ल हो रही है। हमारा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के अंदर हर घर में एक देसी गाय गांव के अंदर रहे, ताकि हमारे बच्चों को देसी गौ माता का दूध मिले। ये दूसरा अभियान लक्ष्य है हमारा, और तीसरा हमने लक्ष्य लिया है जैविक कृषि का, कि हमारे बच्चों को हम जहर नहीं खिलाएंगे। हमारे घर में जितनी ज़मीन है उसमें से 2-4 बीघा छोड़ेंगे, और वह ज़मीन छोड़ के उसके अंदर जैविक खेती करेंगे, उसके अंदर बिना रसायन का अन्न उगाएंगे, और धीरे धीरे इस पूरी प्रकार क्षेत्र को रसायन मुक्त करने का हमारा संकल्प है। हो सकता है मैं अपने जीवन में ये संकल्प पूरा नहीं कर पाऊँ, लेकिन यहाँ खड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता, इस कांवड़ यात्रा के अंदर आए हुए प्रत्येक युवा का ये संकल्प है कि इन 3 उद्देश्यों के लिए सदा सदा ये कांवड़ यात्रा काम करती रहेगी, समिति काम करती रहेगी। हम वर्ष भर इस क्षेत्र को सुजलाम, सुफलाम, शीतलाम बनाने के लिए कर्मरत हैं, करते रहेंगे। यही उद्देश्य हमारा इस कांवड़ यात्रा को भव्य रूप देने का था, और अगले वर्ष इस कांवड़ यात्रा को और भव्य रूप देकर के हर गांव का प्रतिनिधित्व होगा, ताकि इन 3 दिशाओं में काम प्रति वर्ष आगे बढ़ सके। इतना ही निवेदन करने के लिए आज ये कांवड़ यात्रा के समक्ष में उपस्थित हुआ था। चुनाव हर 5 साल में आते हैं, विधानसभा के और लोकसभा के, अभी विधानसभा के आएंगे और लोकसभा के आएंगे, लेकिन ये धर्म जागरण का काम, ये प्रकृति के संरक्षण का काम, ये गौ माता के संरक्षण का काम जो हमने संकल्प लिया है, ये लगातार बढ़ेगा,
और ये इतने सारे कार्यकर्ता, करोड़ों लाखों कार्यकर्ता जो लगे गांव गांव के अंदर इस काम को पूरा करने में, उन सबका एक प्रतीक स्वरूप आज यहाँ एकत्र हुए थे। और कोई इसके अंदर राजनीति तो सब ठीक है, अब हम राजनीति करते हैं, लेकिन कार्यक्रम के अंदर कोई राजनीति नहीं है। हम पार्टी में है लेकिन कार्यक्रम के अंदर कोई पार्टी नहीं है। ये सब जनमानस, जन समुदाय का सहयोग है। ये धार्मिक यात्रा है, यह ऐसे ही चलती रहेगी और आगे बढ़ेगी और अगले वर्ष आप सब देखेंगे। पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद, ये बात जरूर पहुँचाए कि अगले वर्ष इस कांवड़ यात्रा को इससे भी विराट स्वरूप दिया जाएगा, इससे भी विराट स्वरूप